फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अब खबर सामने आ रही है कि विहारी के जगह पर कौन खेलेगा, इसके लिए दो दावेदार बताए जा रहे हैं। विहारी जो कि तीसरे टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे, हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि भाई अगले टेस्ट मैच से वो भी बाहर होंगे। जडेजा तो बाहर नहीं है, बुमराह भी बाहर है, तो बाकी दोनों खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दी है। अब बारी है विहारी के रिप्लेसमेंट की, तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, दो विकल्प है टीम इंडिया के पास। पहला विकल्प है कि आप मयंक अग्रवाल को लेकर आए, मयंक अग्रवाल से आप ओपनिंग करवाएं क्योंकि वो ओपनर के तौर पर ही खेलते आ रहे हैं, और शुभमन गिल को आप मिडिल ऑर्डर में विहारी के जगह पर खिलाएं, या फिर शुभमन गिल से ओपनिंग कराएं और विहारी के जगह पर मयंक अग्रवाल को बल्लेबाज के तौर पर खिलाएं। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प ये कि क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, उनके आम में दिक्कत थी, दवाइयां खा खाकर, पेन किलर्स खा खाकर उन्होंने बल्लेबाजी की, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा विकेट कीपिंग से आराम दिया जाए और सिर्फ एज अ बल्लेबाज, एज अ बैट्समैन उनको खिलाया जाए, और उनकी जगह पर कौन, रिद्धिमान साहा को टीम में शामिल किया जाए। साहा कीपिंग करें, एक बल्लेबाज के तौर पर भी खेलें, और ऋषभ पंत सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करें। तो इन दोनों में बेटर ऑप्शन आपको क्या लगता है बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।